सो गाइज, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कुछ इस तरह के नियॉन हैंड प्रिंट ऑन फेस फोटो एडिटिंग करना। अगर आप भी करना चाहते हैं कुछ इस तरह की एडिटिंग तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ जाना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर ब्लैक कलर के बैकग्राउंड ऐड करना है और टूल से जाके क्रॉप पे आना है। यहाँ से इसे इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट से ऐसे क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद ऐड फोटो पे आना है और अपनी फोटो कटआउट को ऐड कर लेना है। कटआउट ऐड होने के बाद इसे इस तरह से परफेक्टली जूम कर लेना है। अगर फोटो कटआउट नहीं करनी आती है तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद इसे डन कर देना है। डन करने के बाद इफेक्ट्स पे आना है और यहाँ से टूल वी एयर ब्लैक एंड वाइट वाले इफेक्ट पे आना है और ब्लैक एंड वाइट वाले इफेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से इसे डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आना है स्टिकर पे। स्टिकर पे आने के बाद सर्च पे आना है और यहाँ पर सर्च करना है हैंड प्रिंट। हैंड प्रिंट सर्च होने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे पीएनजीज मिल जाएंगे। तो जैसे ही सर्च होता है देखिए बहुत सारे पीएनजीज मिल जाएंगे। इसमें से सेकंड वाले पीएनजी को आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसे अपने फेस पर कुछ इस तरह से रखते हुए एडजस्ट करना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से। एडजस्ट होने के बाद यहाँ से आपको इसकी ब्लेंडिंग पे आना है। ब्लेंडिंग पे आने के बाद इसे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर एडजस्टमेंट पे आना है और यहाँ से आप व्यू पे जाके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज होने के बाद इसे कर देना है डन। डन करने के बाद आपको इरेज पर आ जाना है। इरेज पर आने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कलर हमारी आइज पर आ रहा है उसे इरेज कर देना है। तो इसे परफेक्टली कुछ इस तरह से इरेज कर लेना है। इरेज होने के बाद इसे भी यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद यहाँ से डन कर देना है। डन होने के बाद फिर से स्टिकर पे आना है और अब यहाँ पर अगर सर्च करना है आई, तो आई सर्च करोगे तो बहुत सारे यहाँ पर आईज के पीएनजी मिल जाएंगे। आपके हैंड के कलर के साथ मैच होते हुए एक पीएनजी को ऐड कर लेना है। पीएनजी ऐड होने के बाद इसे परफेक्टली अपनी आईज पर एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर इरेज भी आ जाना है। इरेज भी आने के बाद जो भी कॉर्नर है उसको परफेक्टली इरेज कर लेना है, जो लाइन सी दिख रही है उसे। तो इसे इस तरह से चारों ओर से इरेज कर लेना है परफेक्टली। इरेज होने के बाद इसे यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद इसकी ओपेसिटी को बढ़ा लेना है, 85 तक बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद इसे डुप्लीकेट कर देना है और दूसरी वाली आँख पर भी एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट होने के बाद इसे यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद फिर से स्टिकर पे आना है और स्टिकर पे आने के बाद सर्च पे आना है और यहाँ पर सर्च करना है विग्नेट। तो विग्नेट सर्च होने के बाद यहाँ पर विग्नेट के बहुत सारे आपके पीएनजीज मिल जाएंगे, इनमें से एक को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसे अपनी फ़ोटो पर कुछ इस तरह से परफेक्टली जूम करके एडजस्ट कर लेना है। ऐड करने के बाद इसे डन कर देना है। डन होने के बाद ऊपर की तरफ आना है आपको इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स पे आने के बाद एफेक्ट्स पे आना है और यहाँ से सबसे लास्ट में चलना है HDR2 वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके फेड को आप अपनी फ़ोटो के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। मैं 70 तक रख लेता हूँ और इसे कर देना है यहाँ से डन। डन करने के बाद ऊपर टूल्स पे आना है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो टूल्स पे आकर एडजस्टमेंट पे आना है और यहाँ पर यू पे आकर आप कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से जो भी आप कलर रखना चाहते हैं और इसके साथ आपके आई का भी कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कलर चेंज होने के बाद इसे आपको यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद हमारी फोटो एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।